अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वन क्लिक में जर्नल लेजर किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, सप्लायर के लेजर, कस्टमर के लेजर जो है हम किस तरह से उनको मेंटेन कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें दो तरीक़ेकार से हम लॉगिन कर सकते हैं, थ्रू बाय यूज़र एंड थ्रू एक्सेस कोड। हम एक्सेस कोड के थ्रू इसको लॉगिन करेंगे। हम यहाँ रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास जर्नल लेजर का ऑप्शन मौजूद है। हम जर्नल लेजर पर क्लिक करेंगे। जर्नल लेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास डिफरेंट जो है पार्टीज़ मौजूद हैं, लाइक बैंक, कैश अकाउंट, कैश में अगर पेमेंट हो रही है, कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं या उनसे कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अदर पेमेंट कर रहे हैं, अदर यानी मिसलिनियस अकाउंट्स, मिसलिनियस एक्सपेंसेस वगैरह जो है ऑफिस में मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मैं इस वक्त सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूँ, सो मैं सप्लायर सेलेक्ट करूँगा। जो स्पेसिफिक सप्लायर इस वक्त मेरे पास होगा, मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका कब से कब तक का लेजर हमें चेक करना है। मैंने फिल वक्त बिलाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जनरेट, जैसे ही हम जनरेट करेंगे ये हमारे पास रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसका लेजर जो है वो ओपन हो चुका है। अब ये देखिए इसके टोटल अमाउंट जो हमें पे करनी है वो 11,110 रुपीज़ इसको पे करने हैं, जबकि हमने अब तक इसको जो पे कर चुके हैं वो हमने पे किए हैं 10,800, ठीक है। और जिसको उसका रिमेनिंग बैलेंस है जो हमें अभी पे करना है बिलाल को, वो 310 रुपये हैं। अब हम जो है इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने का तरीक़ाकार ये है कि हम पहले क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पेटी कैश का ऑप्शन है, पेटी कैश पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पेटी कैश हमारा ओपन हो चुका है। पेटी कैश ओपन होने के बाद हम यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अभी हमें पेमेंट जो है वो उनको देनी है, सो हम कैश आउट पर क्लिक करेंगे। अगेंस्ट पार्टी किसके बिहाफ पे हमें किसको पेमेंट करनी है, ठीक है। अभी हमें सप्लायर को पेमेंट करनी है तो हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखिए हमने बिलाल सेलेक्ट कर लिया। बिलाल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट आपको उनको पे करनी है वो आप यहाँ मैंशन करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 310 रुपये उनके रिमेनिंग बैलेंस थे वो मैंने यहाँ पर पे कर दिए। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं इस पर क्लिक करूँ, जैसे मैं पे टू बिलाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक पीओ ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ सेव करेंगे इसको। देखिए ट्रांजेक्शन डन हो चुकी है। ओके करेंगे। अच्छा, यहाँ से जब भी आप न्यू करेंगे, किसी भी कस्टमर की पेमेंट रिसीव करनी है, सो आप यहाँ कैश इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेंस्ट पार्टी, यहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैश आप किसी को पेड कर रहे हैं तो कैश आउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको पेमेंट को दे सकते हैं, उनको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने लेजर जिसकी पेमेंट, जैसे बिलाल सप्लायर को हमने पेमेंट की है, उनका लेजर आपको दिखा देता हूँ मैं। देन आप फिर दोबारा से रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे, सेम जनरल लेजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक का उसका लेजर आप चेक करना चाह रहे हैं। सेम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, सप्लायर कौन सा सप्लायर है वो सेलेक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब इसका बैलेंस ज़ीरो आ रहा है, यानी अब हमें इसको कोई भी पेमेंट नहीं करनी तब तक जब तक हमसे मज़ीद कोई भी चीज़ परचेज ना कर लें। जी दोस्तों, यहाँ से आप तमाम इसके लेजर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब आप अगर चाहते हैं कि आप पेटी कैश के थ्रू आपने क्या क्या पेमेंट किए, किस किस को पेमेंट किए, कब कब पेमेंट किए, तो आप इसमें पेटी कैश की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पेटी कैश पर क्लिक करेंगे, सेम मैं डेट क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे कि कब से कब तक आप इस पेटी कैश की रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं। सेम एज इट इज़ इसमें आपके पास तमाम तर सप्लायर का रिकॉर्ड आ जाएगा, कस्टमर का रिकॉर्ड आ जाएगा, जिस भी अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे उनकी रिपोर्ट्स आपके पास मेंशन हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बार फिर से बिलाल का जो है अब इसकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें तमाम तर रिकॉर्ड आ चुका है कि हमने कब कब जो है पेटी कैश के थ्रू इनको पेमेंट की है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट में पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, तमाम तर रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। आप इसमें अदर एक्सपेंसिव भी जो हैं वो अपने चेक कर सकते हैं, मतलब अदर एक्सपेंसिव भी मेंटेन कर सकते हैं पेटी कैश में, ठीक है। पेटी कैश में अब ये देखिए यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
अपने कैश जो जिस इसको हमने कैश की पेमेंट में दी है वो हम देख सकते हैं, चेक करेंगे यहाँ से। जनरेट रिपोर्ट क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पेटी कैश में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, अपना एक्सपेंस पे किया 10,000 रुपीज़। ये आप इस तरह से जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में जो पेटी कैश के थ्रू जो है पेमेंट करना और यूज़ करना आपको समझ में आ गया होगा। आप लाइक वन क्लिक में इजी टू यूज़ है इसको, पेटी कैश में जो है पेमेंट्स अपनी रिसीव करना और उसको मैनेज करना। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।